हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी टेस्टी पुलाव। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आज ये हमने ऑनलाइन कवर मंगाए थे कुशन के, ये देखिए, और एक कवर और आए हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको सैनिटाइज करके हमने रख दिया था। ये कॉटन के हैं और ये मीशो से मंगाए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी सस्ते पड़ गए हैं ये। इधर मैंने बच्चों के लिए टिक्की बना दी थी घर में ही। आपको देखने में कैसी लग रही है और अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको टिक्की दिखाऊंगी बनाकर। बाहर सब्जी वाला आ गया था तो हमने सोचा सब्जी ले लेते हैं पहले थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं पुलाव बनाती। तो यहाँ पे टिंडे ले लिए थे और कोई अच्छी सब्जी दिखी नहीं। मैं कैरेट ढूंढ रही थी मगर ये लाया ही नहीं है पुलाव में डालने के लिए। फिर सोचा कि थोड़ा सा मार्केट हो जाती हूँ तो बारिश होने लगी, तो फिर हम वापस आ गए, नहीं गए मार्केट, बारिश बहुत तेज़ थी। बैठ गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा कवर ही पूरा कर लेती हूँ। क्रोशिया कवर ये मैं बना रही थी, आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था। और इधर मम्मी के यहाँ आ गई, फिर इधर भागा दौड़ी में बनाने का टाइम नहीं मिला इसलिए अभी इतना ही हो पाया है। ये देखिए ये कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फिर आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं चावल में पानी डाल दूँगी और 15 मिनट के लिए इसको सॉक करने के लिए रख दूँगी। और इधर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, ये गर्म हो गया है तेल। अब मैंने इसमें एक दालचीनी, दो तेज पत्ते, दो साबुत मिर्च और बड़ी वाली इलायची, चार लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च और जीरा, ये खड़े मसाले डाल दिए हैं। और ये मैंने प्याज को लच्छे के टाइप में थोड़ा सा काटा है, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। और फिर ये कटे हुए आलू, और सबको मैं एक साथ ब्राउन कर लूँगी। आलू थोड़े ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने इसमें सोयाबीन की परी डाल दी है, इसको भी मैं ब्राउन कर लूँगी थोड़ा सा चलाकर। अब मैंने इसमें हरी मटर डाल दी है, दो तीन मिनट इसको चलाऊंगी। अब मैंने इसमें एक पैकेट मैजिक मसाला डाला है। पुलाव में अगर मैजिक मसाला डालेंगे तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और खड़े मसालों से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा और स्वाद अनुसार, और सबको मिक्स करके एक दो मिनट चलाऊंगी। गैस थोड़ी धीमी कर दी है। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं जो मैंने वॉश कर लिए थे, अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैंने जितना चावल लिया था उसी से नाप के मैंने उतना ही पानी लिया है एक कटोरा, और गैस को मैंने तेज कर दी है, और दो मिनट तक बस इसको तेज करके मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा। ये देखिए अब मैं गैस धीमी कर दूंगी और थोड़ा सा चला दूंगी ऊपर नीचे और ढक दूंगी, 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी।
15 मिनट हो गए हैं, देख लेती हूँ। हाँ, हमारी पुलाव तैयार होने वाली है। ये देखिए, ऊपर नीचे कर दूंगी मैं अब, ताकि नीचे के चावल हैं वो भी ऊपर हो जाए ठीक से। और ये मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल और गर्म पानी डाल करके कलर को चला लिया है, और अब मैं ये कलर इसमें डाल दूंगी पुलाव में, और 2-3 मिनट के लिए इसको फिर से ढक के रख दूंगी। ऐसी गैस बंद कर दूंगी मैं, बस 2 मिनट के लिए इसको रखना है। 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया पुलाव बनी है हमारी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर दूंगी कलर, ताकि पूरे में हो जाए। ये देखिए कितने फरेरे चावल बने हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए मैंने कलर भी ऊपर नीचे मिक्स कर दिया था। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी पुलाव देखने में अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ कमी हो या कोई सुझाव देना हो तो भी आप बताइएगा। ये देखिए पुलाव मेरी रेडी है। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।